आज परवल बात बनाएंगे। परवल बात बनाने के लिए ऐसा परवल लिया है, इसको धो के दोनों साइड काट के इसको चार भाग कर लेंगे। देखिए ऐसा, ये छोटा छोटा परवल लेने से कवला परवल बहुत अच्छा होता है। देखिए सब परवल ऐसा ही काट लिया है। अभी इसको एक कुकर में डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। परवल पकने के लिए 1 केवी जितना पानी डाल के इसको मिक्स करके कुकर ढक के एक विशिल लेंगे। परवल बात बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, वांगी बात पाउडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी डाला है। एक बार भून के रखने से बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये 6 मास तक रहता है। तो वो पाउडर मैं लिया है, चने का दाल, उड़द का दाल, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, सूखा नारियल कस के लिया है, 1 नींबू जितना इमली को भिगो दिया है। अभी इसको चोंक देंगे। कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, 1 केवी जितना तेल। तेल गर्म होने के बाद राई, हिंग, चने का दाल, उड़द का दाल, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, हल्दी डाल रही हूँ। अभी जो बॉईल करके रखा था ना परवल, वो भी इसमें डाल रही हूँ। इमली का पानी डाल रही हूँ। एक स्पून गुड़, टेस्ट के लिए गुड़ डाल रही हूँ। वांगी बात पाउडर और नारियल डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी लिड ढक करके 2 मिनट पकाएंगे इसको। अभी दूसरे कढ़ाई में घी डाला है, घी में काजू डाल के फ्राई कर लेंगे। रोज कलर है, फ्राई कर लेंगे। गार्निश के लिए काजू अच्छा लगता है। देखिए ये पक गया है। चावल बना के ठंडा करके उस चावल में ये मसाला डाल के मिक्स कर रही हूँ। जैसे लेमन राइस मिक्स करते हैं ना, ऐसे इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो रहा है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल के गार्निश के लिए काजू और धनिया डाली हूँ। देखिए परवल बात रेडी।